हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बात करूंगा व्हाट अबाउट द इंजीनियरिंग डोमेन्स इन डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर इंजीनियरिंग डोमेन क्या होते हैं, उनके बारे में क्या रीज़न होती हैं कि जिनको हमको जानने की ज़रूरत होती है, और क्या क्या कैटेगरीज होती हैं डोमेन से रिलेटेड। उन सारे बातों को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, और क्यों हमें डोमेन के बारे में जानने की ज़रूरत है इसके बारे में हम रीज़न जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा और अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो दोस्तों, डिज़ाइन के अंदर डोमेन क्या होता है? तो बेसिकली डोमेन डिज़ाइन इंजीनियरिंग उन एरियाज को बोलते हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अलग अलग वर्क्स को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि आप इस तरीके से समझे कि आप इंजीनियरिंग करते थे तो बीटेक के टाइम पे आपको अलग अलग ब्रांचेस होती थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर। तो उन अलग अलग ब्रांचेस के अंदर भी अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे। तो अलग अलग जैसे ब्रांचेस भी हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आप जितना डीपली जाओगे उन चीज़ों के अंदर कैटेगरी मिलती जाएगी। वैसे ही आप समझो कि डिज़ाइन एक टॉपिक आपको मिला मैकेनिकल के अंदर, तो उस डिज़ाइन के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं स्पेसिफिक एरियाज की, और उन स्पेसिफिक एरियाज में इस उतने से ही रिलेटेड आपको स्पेसिफिक वर्क मिलते हैं जिनको हम डोमेन बोलते हैं। और शॉर्ट जैसे में अगर कि मैं बोलूँ तो डोमेन उस इंजीनियरिंग एरिया के कोर वर्क्स को ही डिफाइन करता है जहाँ पे उससे रिलेटेड ही काम किया जाता है, दैट्स इट। जैसे आप बात करें कि मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर क्या क्या डोमेन हो सकते हैं, तो अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर, तो जैसे आपका एनपीडी हो गया, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, एसपीएम हो गया, स्पेशल पर्पस मशीन हो गया। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंदर हम बात करें तो आपके शीट मेटल डिज़ाइनिंग होगी, सरफेस डिज़ाइनिंग हो गया। तो ये अलग अलग डोमेन्स हैं जहाँ पे आपको उस स्पेसिफिक फील्ड से ही आपको काम मिलेगा। जैसे सिविल के अंदर हम बात करें तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल डिज़ाइन हो गए, ठीक है, एमईपी हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गई। ये अलग अलग कैटेगरी हैं सिविल के अंदर। ऐसी इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इलेक्ट्रिकल के अंदर ज़्यादा डोमेन आपको नहीं मिलेंगे, सिंपल आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिज़ाइनिंग के कैटेगरीज मिल जाएंगी। आर्किटेक्चर में बात करें तो प्लानिंग होगी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज को ही हम डोमेन बोलते हैं। तो अब रीज़न आ जाता है कि हमें इनको जानने की क्या ज़रूरत है डोमेन्स की। तो मैं आपको टोटल 5 रीज़न बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से हमें डोमेन की नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन आप सीखते हो, आप कॉलेज पास आउट होने के बाद से किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हो, तो होता क्या है कि आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर डिज़ाइन का बताया जाता है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो, मतलब आप अपने आप को जॉब फील्ड में जाते हो, ले जाते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि अरे ये कंपनी इस पर्टिकुलर फील्ड पे ही काम कर रही है, ये कंपनी इस पर्टिकुलर शीट मेटल पे काम कर रही है, ये कंपनी केवल कास्टिंग पे काम कर रही है, ये कंपनी केवल बिल्डिंग डिज़ाइन के ऊपर काम कर रही है। तो आप वहाँ पे जाने के बाद से आपको पता चलता है कि हर एक कंपनी एक पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर काम करती है। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है डोमेन की नॉलेज के लिए कि टू बिल्ड करियर इन स्पेसिफिक फील्ड, कि मतलब आप एक पर्टिकुलर फील्ड में आप नॉलेज गेन करते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में ही आपको एक्सपर्टीज़ हासिल होती है। सपोज़ आपने किसी ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जो केवल कास्टिंग पे वर्क करती है, तो आप केवल कास्टिंग मोल्ड डिज़ाइन के ऊपर काम करोगे, तो आप 2 साल, 3 साल, 4 साल उसके ऊपर काम किए, तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर नॉलेज होगा, ठीक है, और आपका करियर उस पर्टिकुलर फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग करियर बनता हुआ जाएगा। दूसरा रीज़न है अचीव एक्सपर्टीज़। आप अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में आप नॉलेज गेन करते हो तो आप उस फील्ड के एक एक्सपर्ट कंसिडर किए जाते हो आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 सालों में। जब आपको नॉलेज, ऑब्वियसली बात है, आप उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करोगे तो आपको किसी और चीज़ के बजाय आप उसको उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है, और उससे आप फोकस करोगे तो आपकी नॉलेज गेन होगी, आप ऑब्वियसली उसके अंदर एक एक्सपर्ट कंसिडर किए जाओगे। तो दूसरी कंपनी में आप जाओगे तो आप एज अ एक्सपर्ट उस फील्ड के हायर किए जाओगे। जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है फॉर जॉब पर्पस, अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आपको एक्सपर्टीज़ हासिल है, तो आपको जॉब पर्पस में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। सपोज़ आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, कास्टिंग डिज़ाइन, कास्टिंग मतलब मोल्ड डिज़ाइन से रिलेटेड आपको नॉलेज है, या फिर शीट मेटल डिज़ाइन के ऊपर नॉलेज है, या फिर स्पेशल पर्पस मशीन के ऊपर आपको अच्छे एक्सपर्टीज़ हासिल है,
तो अगर किसी कंपनी में आप अप्लाई करते हो, तो अगर कोई उधर से भी कोई ऐसी कंपनी है जिसको उस पर्टिकुलर फील्ड का बंदा चाहिए, तो वो आपको तुरंत हायर करेगी, क्योंकि मार्केट में से बहुत कम बंदे मिलते हैं जिनको उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए आजकल मार्केट में जो जितनी भी कंपनियां हैं वो कंसल्टेंसीज का हेल्प इसीलिए लेती हैं ताकि उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस एक्सपर्टीज का बंदा उनको मिले, ठीक है। तो इसलिए जॉब पर्पज से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसको मिलता है आने वाले टाइमों में, अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक्सपर्टीज़ हासिल है तो। और जो चौथा बेनिफिट है वो ये है कि जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि अगर कोई भी आप कंपनी में आप एज अ एक्सपर्ट हायर किए जाते हो, तो वो कंपनी जल्दी आपको हटा नहीं सकती, आपकी जॉब सिक्योरिटी उस पर्टिकुलर फील्ड में बनी रहती है, क्योंकि आपको कंपनी हटाएगी तो उसमें सबसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा उनको लॉस होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत कम बंदे मिल पाते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के। इसलिए जॉब सिक्योरिटी आपकी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, डोमेन की आपको पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज है तो। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो यह है मॉनेटरी बेनिफिट। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि मॉनेटरी बेनिफिट उसको जॉब के अंदर मिलता रहे, हमेशा ग्रोथ पे रहे। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, डोमेन एक्सपर्टीज़, डोमेन के अंदर आपको नॉलेज है, उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर नॉलेज है, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, मतलब आपकी सैलरी हाइक्स भी अच्छी खासी होती है अगर आप डिज़ाइन के किसी पर्टिकुलर डोमेन में आपको एक्सपर्टीज़ हासिल है तो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने जिन लोगों को जिसके साथ मैं काम करता हूँ उनके एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, रियल टाइम में ऐसा होता है, रियल सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ। आपको पर्टिकुलर डोमेन के अंदर अच्छे सैलरी पैकेज आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे दोस्तों बेनिफिट्स हैं डोमेन के नॉलेज के लिए। तो होप आप मेरी बातों को समझ पे आओगे कि मेरा मोटिव क्या है आपको डोमेन नॉलेज देना, और उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। मैं आने वाले वीडियोस में हर एक डोमेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, जैसे मैकेनिकल के बारे में मैंने बात किया, तो मैकेनिकल के अंदर जो मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर जो डोमेन्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करूँगा, सिविल के अंदर जो डोमेन्स है उनके अंदर डिटेल में बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो डोमेन है उनके अंदर बात करूंगा, आर्किटेक्चर के अंदर जो डोमेन है उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर मैं बात करूंगा। तो इनके ऊपर पर्टिकुलर मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो सब आपको मैं नॉलेज दूंगा ताकि आप अपने करियर को एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बना सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और इस कोरोना महामारी के टाइम पर उम्मीद करता हूँ आप घर पर होंगे, सेफ होंगे, घर पर ही रहिए, नॉलेज गेन करिए। अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई वीडियो चाहिए मेरे मेरे चैनल से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस, स्टे इंस्पायर्ड, बने रहिए आप मेरे वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।